Good morning, students. So today we are going to start your last exercise of integration, that is 7.11, by using properties of integral solve that given function, right? उससे पहले हमने last class में क्या किया था, properties हमने discuss की थी कि हमारे पास कौन कौन सी properties आती हैं definite integral में, और आज हम उन integrals को डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चंस में जो फंक्शंस होंगे उन्हें सॉल्व करेंगे, राइट? तो एक्सरसाइज 7.11 आपके पास है. सबसे पहले 7.11 का फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ही सेड दैट इंटीग्रल 0 to 90 कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स. आपके पास ये फंक्शन गिवन है. अब इस क्वेश्चन को तो हमने ऑलरेडी पहले भी सॉल्व किया हुआ है कि अगर cos square x का इंटीग्रेशन आए तो हम उसे क्या लिखते थे, 1 प्लस cos 2x बाई 2, और सेपरेट करके इंटीग्रेट करते थे. लेकिन अब उसने कहा बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, तो हम क्या करेंगे, लेट द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू i. ये सपोज किया, लोअर लिमिट 0 है, तो 0 टू a की प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी जिसमें हम x को a माइनस एक्स, अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस करते थे, राइट? 0 टू 90 कॉस स्क्वायर 90 माइनस एक्स, 90 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, और 90 कॉस को क्या करेगा, साइन, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स. फंक्शन चेंज हो गया. अगर हम फर्स्ट और सेकंड दोनों को ऐड करें तो i प्लस i, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो गया, 2i. लिमिट सेम है 0 टू 90 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स. हम फंक्शन को ऐड कर सकते हैं बिकॉज लिमिट्स आर सेम एंड वी नो दैट साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, और 1 का इंटीग्रेशन आपके पास क्या होता है, एक्स. अपर माइनस लोअर लिमिट डालें तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस 0 एंड i इज इक्वल टू पाई बाय 4. That is by using properties of integral. Cos square x को तो हमने वैसे भी integrate किया है, लेकिन उसने कहा by using properties of integral, तो हमने property use करके solve किया. Second, third, fourth, तीनों questions आपके पास same हैं, लेकिन अब इसमें सिर्फ आपके पास देखने में लगता है कि statement under root में है या power में है या power fraction में है, तो हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं. जैसे आप सेकंड ले लो, बाकी क्वेश्चंस बिल्कुल सेम हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्योंकि लिमिट भी सबकी सेम है 0 टू 90 रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स. ऐसे ही क्वेश्चंस थर्ड और फोर्थ हैं जिसमें पावर 3/2 है या पावर 5 है, फंक्शन सेम है. तो लेट दिस फंक्शन इज इक्वल टू आई. अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 टू 90 है तो लोअर लिमिट 0 है, तो 0 टू a की प्रॉपर्टी लगेगी. x को क्या पुट करोगे, 90 माइनस x, तो जहां आपके पास x है वहां आप क्या कर दोगे, 90 माइनस x, cos 90 माइनस x. अब 90 माइनस से आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म क्या हो गई, चेंज, तो ये हो गया cos x अंडर रूट ऑफ cos x प्लस रूट ऑफ साइन एक्स डी एक्स. फंक्शन चेंज हो गया. दोनों को ऐड करें तो आई प्लस आई, लेफ्ट हैंड साइड हो गई 2i. लिमिट दोनों की सेम है तो रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन प्लस रूट कॉस प्लस सेकेंड फंक्शन, क्योंकि लिमिट सेम है तो हमने उसे कंबाइन कर दिया, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स. अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम सेम आएगा, और रूट साइन प्लस रूट कॉस अपॉन रूट साइन प्लस रूट कॉस क्या हो जाएगा, 1. 1 का इंटीग्रेशन x, तो 2i इज इक्वल टू पाई बाय 2 और i इज इक्वल टू पाई बाय 4. अगर आप देखो तो पहले 4 क्वेश्चंस का आंसर भी आपके पास सेम आएगा, पाई बाय 4. लेकिन इस क्वेश्चन को हम बिना प्रॉपर्टी के सॉल्व नहीं कर सकते थे. क्यों? क्योंकि आपके पास क्या था,
अंडर रूट है, अगर हम इसे रैशनलाइज कर दें तो भी रूट साइन एक्स होगा, फिर हमें आगे देखना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन लगेगा या नहीं लगेगा। थर्ड फोर्थ क्वेश्चन में तो पावर भी 3/2 और रेस टू पावर 5 है, तो हमें जहाँ प्रॉपर्टी से क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो सकता है वहाँ हम प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। राइट, फोर्थ तक हो जाएंगे क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, तो हमें अब ये सीखना है कि हम प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करेंगे। राइट, फिफ्थ क्वेश्चन आपके पास है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ -5 to 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 डीएक्स। अब यहां आपके पास एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि मॉड भी है और -a to a भी है, लेकिन -a to a की प्रॉपर्टी में तो हम इवन ऑड चेक करते हैं, और इवन ऑड तो हम तब चेक करेंगे ना जब फंक्शन मॉड में ना हो। मॉड तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों को कंटेन करता है, तो जहां मॉड है वहां हम पहले मॉड की प्रॉपर्टी लेंगे। अगर यहां मॉड नहीं होता फिर हम जरूर -2 पर चेक करते। राइट, तो हम इस केस में क्या करेंगे, सबसे पहले मॉड का फंक्शन है तो हम ये देखेंगे कि एक्स की कौन सी वैल्यू डालें जो फंक्शन को जीरो कर रही है, -2। अगर हम x को -2 डालें तो फंक्शन आपके पास क्या हो रहा है, जीरो। इसका मतलब क्या -2 -5 से -5 में लाई करती है, यस। तो इसका मतलब आपके पास लिमिट ब्रेक होगी -2 से, -5 से -2 और -2 से 5। देखो -5 से 5 की लिमिट थी, -5 से -2 के बीच की कोई भी वैल्यू हम इसमें डालते हैं। राइट, इसमें अगर हम वैल्यू डालें, मान लो -3 डाल दी, -3 + 2 - 1, फंक्शन नेगेटिव आ रहा है, तो बाहर माइनस लगाकर फंक्शन एज इट इज, दैट फंक्शन इज नेगेटिव। -2 से 5 के बीच की वैल्यू -1, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी डालो, फंक्शन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, तो फंक्शन इज एज इट इज। Now we have to integrate that function. Minus bahar le lo, x² / 2 + 2x. Limit is from -5 to -2. x² / 2 + 2x. Limit is from -2 to 5. To minus bahar, upper limit, x ko -2 dalenge. To kya aajayega? 4/2 - 4. Minus lower limit, -5 dalenge. To 25/2 - 10 प्लस अपर लिमिट x को क्या डालेंगे 5, तो 25/2 + 10 माइनस लोअर लिमिट -2 डालेंगे तो 4/2 - 4। सिंप्लीफाइड, -2 - -20 तो 5/2 + दिस इज 20 तो 45/2 -2 हो जाएगा +2, तो दैट इज -4, तो -9/2, तो 9/2 + 4, 4 इसमें डालेंगे ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 49/2, 58/2, 29 इज द आंसर। तो इंटीग्रल ऑफ -5 to 5 मॉड ऑफ एक्स प्लस 2 डीएक्स, जहां फंक्शन मॉड का आएगा वहां हम एक्स को इस तरह से ब्रेक करेंगे कि आपके पास जो फंक्शन को जीरो कर रही हो वैल्यू, और वो वैल्यू कहां लाई कर रही होगी, अपर टू लोअर लिमिट में। राइट, क्वेश्चन नंबर 6, सेम 5 पर ब्रेक हो रहा है, 2 to 5 और 5 to 8। क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ क्वेश्चन आपके पास है, इंटीग्रल ऑफ 0 to 1 एक्स ऑफ 1 - x dx। आई ले लिया फंक्शन को। अब देखो, डायरेक्ट इंटीग्रेट हम नहीं कर सकते थे, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास क्या है, पावर n, स्क्वायर होता हम ओपन कर देते, यहां n होता तो भी हम सॉल्व कर लेते कि अंदर मल्टीप्लाई कर देते, लेकिन ये है वी कांट ओपन इट। राइट, तो हम इसमें क्या करते हैं, प्रॉपर्टी लगाएं 0 to 1 x को
वन माइनस एक्स से, अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं. वन माइनस एक्स, इसकी ब्रैकेट ओपन करें तो ये आ रहा है, वन से वन कट गया, ये आ गया. अब ऐड करें तो कुछ नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट इंटीग्रेट हो रहा है. एक्स रेज टू पावर एन से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, उधर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे लेकिन यहां तो कर सकते हैं, तो क्या आ गया, एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, एक्स रेज टू पावर एन प्लस टू अपॉन एन प्लस टू, लिमिट इज फ्रॉम जीरो टू वन. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स को वन डालेंगे तो वन अपॉन एन प्लस वन, वन अपॉन एन प्लस टू, और जीरो डालेंगे तो जीरो. एलसीएम लें, यह आएगा आपके पास, तो यहां पर एन से एन कटा, तो आंसर इज वन अपॉन एन प्लस वन इंटू एन प्लस. तो ज़रूरी नहीं कि हमें हमेशा ऐड करना है. ऐड हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि ऐड करने से वन हो रहा है या इजी हो रहा है, कि कुछ टर्म्स कट रही हैं. लेकिन यहाँ ऐड करने से कुछ भी नहीं हो रहा था, तो हमने यहाँ एक्स रेज टू पावर एन को अंदर मल्टीप्लाई किया. लिमिट से देखो इंटरचेंज हो गए ना फंक्शन, इसके ऊपर एन आ गया और ये वन माइनस एक्स हो गया. अंदर मल्टीप्लाई किया और डायरेक्ट इंटीग्रेट, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. एट्थ क्वेश्चन, 0 टू पाई बाय 4 इंटीग्रल, 0 टू पाई बाय 4 दैट इज लॉग ऑफ 1 प्लस टैन एक्स, ये है लिमिट है 0 टू पाई बाय 4. सबसे पहले लिमिट 0 टू पाई बाय 4, लोअर लिमिट 0 आ गई, तो लॉग ऑफ 1 प्लस टैन ऑफ अपर लिमिट माइनस एक्स, जहां एक्स है वहां अपर लिमिट माइनस एक्स किया. अब ये तो क्वाड्रेंट नहीं है, पाई बाय 4 है. पाई बाय 2 होता तो हम कहते कॉट हो रहा है, तो हम उसे सोचते कि क्या सॉल्व करें, साइन कॉस में कन्वर्ट करें. लेकिन ये तो आपके पास कोई क्वाड्रेंट नहीं है, तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, टैन ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो. टैन ए माइनस बी दैट इज टैन ए माइनस टैन बी अपॉन वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी. अप्लाई किया ये फॉर्मूला, मैंने यहां सिर्फ ये लिखा है हिंट के लिए, 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 1 प्लस टैन 45 वन, तो 1 माइनस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस टैन एक्स. 0 टू पाई बाय 4 लॉग, एलसीएम ले, 1 प्लस टैन एक्स प्लस 1 माइनस टैन एक्स अपॉन 1 प्लस टैन एक्स डीएक्स. 0 टू पाई बाय 4 लॉग ऑफ 2 अपॉन 1 प्लस टैन एक्स. लॉग एम बाय एन, 0 टू पाई बाय 4 लॉग 2 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस टैन एक्स डीएक्स. दोनों इंटीग्रल्स को अलग अलग कर दो, लॉग 2 अलग और लॉग ऑफ 1 प्लस टैन एक्स अलग. अभी तक हमने कहीं इंटीग्रेट नहीं किया फंक्शन को, हमने अब तक सिर्फ सॉल्व किया है. ए माइनस एक्स की प्रॉपर्टी लगाने के बाद फॉर्मूला लगाया और सिर्फ सॉल्व किया है, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो इंटीग्रल्स बन गए. 0 टू 45 लॉग ऑफ 1 प्लस टैन एक्स, ये तो यही आ गया जो गिवन था, और इसे हमने क्या सपोज किया था, आई. तो फ्रॉम फर्स्ट, और ये भी आई के इक्वल चल रहा था, लॉग 2 बाहर, 0 टू 45 ऑफ 1 डी एक्स माइनस आई, कलेक्ट कर लें आई को, आई प्लस आई 2i, लॉग 2, 1 का इंटीग्रेशन x, लॉग 2
इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो I आपके पास क्या आ जाएगा, पाई अपॉन 8 इंटू लॉग 2, दैट इज योर आंसर, राइट। तो वही 0 टू a की प्रॉपर्टी थी, हमने अभी कहीं कुछ ऐड नहीं किया, वही होता कि फर्स्ट और टू को ऐड कर दो या इसे I पुट कर दो, तो हमने वहाँ से सिर्फ फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, वापस वही सेम फंक्शन आ गया I, हमने उसे कलेक्ट करके, लॉग 2 कॉन्स्टेंट था, लॉग 2 इंटू 1 करके बाई पार्ट्स मत लगा देना, लॉग 2 है कॉन्स्टेंट, लॉग x नहीं है, तो 1 का इंटीग्रेशन x अपर माइनस लोअर लिमिट, राइट। तो ये थे आपके पास 8 क्वेश्चंस, राइट, एंड इन दीज 8 क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, इन नेक्स्ट क्लास वी विल कंप्लीट द अनदर क्वेश्चंस, थैंक यू।